हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सिक्स के ज्योग्राफी चैप्टर सिक्स आवर कंट्री इंडिया पढ़ेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर फीट है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारीय सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत अलग है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लोकेशनल सेटिंग, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 88 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार और देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएँ इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। 5 जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। फिजिकल डिविजन्स, भौतिक विभाजन, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ अलग प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम और आलय का मतलब होता है बर्फ का घर।
हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमाचल के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। ये शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदर वन डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह 2004 वर्ष में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी? नर्मदा, तापी,